ये टाटा एस गोल्ड है, BS6 मॉडल, 2020 का ये मॉडल है और इसका इंजन पूरा तरीके से जाम हो चुका है इंजन ऑयल ना रहने के कारण। तो हम इसका आज पूरा इंजन डाउन करेंगे और पूरी तरह से डिसमेंटल करेंगे। तो आगे की प्रोसेस आप देखते रहिए किस तरह से हम सारी फिटिंग खोलते हैं। इसके इंजन हॉस पाइप, इंजन माउंटिंग, गियर बॉक्स, कैटेलिक कन्वर्टर और वायरिंग हार्नेस, ये सारे हम निकालेंगे। हमने इसके सारी फिटिंग खोल ली है, एयर बॉक्स वगैरह भी हमने इसका निकाल लिया है इंजन के नीचे जैक लगा के। धीरे धीरे हम इंजन को नीचे ये आ चुका है इंजन बाहर। अब हम इसकी पूरी फिटिंग खोलेंगे, इंजेक्टर, कॉमन रेल, हाई प्रेशर पंप, वॉल कवर, EGR बॉडी और टाइमिंग कवर। तो देखते रहिए वीडियो। ये रहे इसके फ्यूल इंजेक्टर, रहे ये रहे इसकी EGR बॉडी और इसके बाद हम इसका इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड निकालेंगे। ये रहे इसके कुछ नट बोल्ट्स, और फिर इसका हम वॉल कवर निकालेंगे जिसे हम टैपेट कवर भी कहते हैं। ये रहा इसका वॉल कवर। अब इसके बाद हम इसका टाइमिंग कवर खोलेंगे। ये निकल गया हमारा वाला टाइमिंग कवर। ये इंजन काफ़ी सीज है, इसका मेन क्रैंक पुल्ली का बोल्ट सीधी तरीके से खुल गया लेकिन इंजन नहीं घूमा। इससे ये पता लगता है कि इंजन काफ़ी ज़्यादा सीज हो चुका है और काफ़ी डैमेज हो चुका है। उसके बाद हम सिलेंडर हेड इसका खोलेंगे। ये रहा
यह है इसका हाई प्रेशर पंप जो हमारे इंजेक्टर को हाई प्रेशर से डीजल सप्लाई करता है। इसके बाद हम इसका ऑयल है, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ऑयल चेंबर, ऑयल पंप, ये सारी चीज़ें के लिए। अब हम इसके क्रैंकशाफ्ट खोल रहे हैं। फर्स्ट कनेक्टिंग रॉड काफी ज्यादा सीज था, इस वजह से इसका इंजन रोटेट नहीं कर पा रहा था, तो हमें इसे नीचे साइड ही रख के खोलना पड़ा और काफी टाइम के बाद इसकी क्रैंक निकली है बाहर। तो ये रहे इसके डैमेज कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग जो घिस घिस के खराब हो चुके हैं, इसी वजह से हमारा इंजन रोटेट नहीं कर पा रहा था और जाम हो चुका था। इसके बाद हम इसके पिस्टन निकाल रहे हैं जो पिस्टन भी थोड़े बहुत सीज हो चुके हैं और कुछ कुछ ऑयल रिंग भी डैमेज हो चुकी है। अच्छी वाशेस ये रही क्रैंकशाफ्ट भी पूरी तरीके से सीज हो चुकी है, तो हमें इसे क्रैंक ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करके लेना होगा। कुछ इस तरह से पॉलिश होती है और ये अभी रफ हो चुकी है, तो हमें इसे पॉलिश और ग्राइंडिंग करके लेना होगा। इसके बाद ही इंजन हमारा चल पाएगा। यह ऐसा कनेक्टिंग रॉड का बेरिंग जो क्रैंक पर इस तरह से मूव करता है। इस गाड़ी में हम सभी पार्ट ओरिजिनल टाटा के यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डुप्लीकेट पार्ट चलता नहीं है और इसकी लाइफ कम होती है, इसीलिए हम इसमें ओरिजिनल मटेरियल यूज़ करेंगे। इसका बोर कट चुका है और पिस्टन रिंग भी लूज़ हो चुकी है, इसी वजह से इसके अंदर इंजन ऑयल कम हो रहा था और इंजन ऑयल कम होने की वजह से ही इसका इंजन लॉक हुआ था, तो यही इसकी वजह है। तो हमने इसमें न्यू ब्लॉक बोर
और पिस्टन रिंग वगैरह डाल के देना है। तो हमारा लेथ वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसकी हम डीजल और पेट्रोल से सफाई करने वाले हैं। डीजल पेट्रोल से सफाई होने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पानी के प्रेशर से साफ कर देंगे, जिससे हमारा इंजन पूरा क्लीन हो जाएगा। हमारा इंजन हो चुका है क्लीन। इसके बाद हम करेंगे इसकी इंजन फिटिंग। सबसे पहले हम इसके ऑयल गेट्स लगाएंगे, जो पिस्टन और कनेक्टिंग वाल्व को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसके मेन क्रैंक के बेयरिंग, जो हमें कुछ इस तरह से लगाना है। ये कट में फंसने के बाद ही लॉक होते हैं। इसके बाद लगाएंगे हम इसके मेन कैप के बेयरिंग, जो हमें कुछ इस तरह से लगाना है। ऐसे कैप तीन आते हैं इसमें। इसके बाद हम डालेंगे बेयरिंग पे थोड़ा थोड़ा ऑयल, जिससे क्रैंक हमारी स्मूथ घूमना चाहिए। ये रही इसकी क्रैंक। आराम से रखना है हमें क्रैंक को। इसके बाद हम लगाएंगे इसके थ्रस्ट वाइसर। थ्रस्ट वाइसर आपको जिस साइड से आपको सेट करके दिए है, वही साइड से आपको थ्रस्ट वाइसर लगाना है। इसके कट वाला हिस्सा बाहर रहेगा, तो हमारी क्रैंक फ्री है अभी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे हम इसके कैप, मेन कैप। तो हमें मेन कैप के ऊपर भी थ्रस्ट वाइसर लगाना है। कट वाला हिस्सा का बाहर आएगा और इसके ऊपर थोड़ा हमें ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर रख देना है। और इसका जो एरो वाला आपको जो मार्क दिख रहा है, वो आपका ऑयल फिल्टर साइड आएगा। हमें सबको, सभी कैप को थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है और कुछ इस तरह से कैप रख देने हैं। सारे कैप सही तरीके से लगने के बाद हम इसमें डालेंगे बोल्ट्स, जो हमें सही तरीके से मिला लेने हैं। हमें सबसे पहले हल्के हाथ से सभी बोल्ट को टाइट कर देना है। ये सारे बोल्ट टाइट हो जाने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर 45 Nm टॉर्क से टॉर्क, जो हमारे बोल्ट प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाएंगे। इसके बाद मारे गए हम 55 Nm टॉर्क। 55 Nm टॉर्क हो जाने के बाद हम मारेंगे इसमें लास्ट हैंड 65 Nm टॉर्क, जिससे हमारे बोल्ट प्रॉपरली टाइट हो जाएंगे। और इसके बाद हमें कोई बोल्ट वगैरह को टाइट नहीं करना है। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसके पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड लगाने के लिए हमें लगाना होगा इसमें पिस्टन पिन। और पिस्टन पिन लगाने के बाद लगाना है हमें थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद लगाना है हमें
इसमें लॉक जो हमारे पिस्टन पिन को बाहर ना निकलने दे, इसलिए इसमें पिस्टन लॉक लगाए जाते हैं। तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट पिस्टन कंप्लीट। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसका सेकंड पिस्टन। इस पर भी सेम प्रोसेस है, पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड लगा के पिस्टन पिन लगाना है और उसे लॉक की मदद से लॉक कर देना है। तो ये हमारा वाला सेकंड पिस्टन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसकी पिस्टन रिंग। तो पिस्टन रिंग लगाने से पहले हमें लगाना होता है पिस्टनों पे ऑयल, और ये रही इसकी ऑयल रिंग जो स्प्रिंग ऑयल रिंग है। और इसके बाद लगाना है हमें कट वाली ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग के ऊपर लिखा होता है ऊपर से टॉप साइड, तो आपको अपर साइड रखना है। और इसके बाद लगा रहे हैं हम इसकी ऑयल कार्बन रिंग जो एक कंप्रेसर रिंग है। तो ये हमारी बीच में आएंगी ये कंप्रेसर रिंग, और इसका भी टॉप आपको ऊपर साइड रखना है जो इसके ऊपर लिखा आता है। और ये है हमारी स्टेनलेस स्टील रिंग, ये भी कंप्रेसर रिंग है, ये सबसे ऊपर लगेंगी। तो ये हो चुका है हमारा पहला पिस्टन कंप्लीट। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसका सेकंड पिस्टन। सेकंड पिस्टन में भी सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हमें लगाना होता है इसकी स्प्रिंग वाली ऑयल रिंग, तो उसके बाद लगाते हैं हम इसकी कट वाली ऑयल रिंग, और उसके बाद लगाते हैं इसकी कंप्रेसर रिंग जो हमारी ब्लैक कलर की कार्बन रिंग होती है। ये कुछ बीच में आती है रिंग, और इसके बाद लगाते हैं हम इसमें स्टेनलेस स्टील की रिंग। तो ये हो चुका है हमारा सेकंड पिस्टन भी रेडी। इंजन में पिस्टन डालने से पहले हमें खोलना होंगे इसकी कैप। कैप खोलने के बाद हमें लगाना है इस पर थोड़ा ऑयल, और थोड़ा सा सिलेंडर ब्लॉक में भी ऑयल लगाना है हमें। इसके बाद हमें लगाना है पिस्टन। पिस्टन लगाने से पहले हमें इसमें डालना होंगे एक छोटी रॉड जिसकी मदद से रहेंगे ऊपर, और इस पर डालना है हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल। तो हम इसके बाद करेंगे इसके पिस्टन रिंग सेट। जो आपको नीचे वाली ऑयल रिंग है वो आपको रखना है इंजन नंबर पर, और जो आपकी सबसे फर्स्ट नंबर की जो कंप्रेसर रिंग है वो भी हमें रखना है इंजन नंबर पर। और उसके बाद हमें जो बीच वाली जो रिंग है कंप्रेसर रिंग काली वाली, वो हमें रखना है ऑयल फिल्टर की तरफ। तो ये हो चुकी है हमारे रिंग सेट। यह है इसका रिंग कंप्रेसर, इसके मदद से हमारे जो पिस्टन रिंग होती है वो कंप्रेस हो जाती है, ताकि हमारा जो पिस्टन है काफ़ी सही तरीके से ब्लॉक के अंदर चले जाए। जितना हो सके उतना इसे टाइट करिए, जितना टाइट होगा उतना इजी तरीके से पिस्टन जो है हमारा अंदर चले जाएगा। तो इसे हमें थोड़ा ठोक लेना है, इसके बाद हमें लकड़ी की मदद से इसे अंदर धकेल देना है। तो ये जा चुका है हमारा इसमें पिस्टन काफ़ी इजी तरीके से। इसके बाद हम लगाएंगे इसका सेकंड पिस्टन। तो हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ब्लॉक सरफेस पे और कनेक्टिंग पर। इसके बाद हम लगाएंगे पिस्टन। पिस्टन एकदम इजी तरीके से जाना चाहिए, और इसमें डाल देंगे एक रॉड। अब मिलाएंगे हम इसकी पिस्टन रिंग। तो पिस्टन रिंग हमें कुछ इस तरह से मिलाना है, जो ऊपर की और जो नीचे की ऑयल रिंग है वो हमारी इंजन नंबर साइड आएंगी, और जो बीच वाली जो रिंग है कंप्रेसर वो हमारी ऑयल फिल्टर साइड आएंगी, और जो इसका जो एरो है पिस्टन पे वो हमारा टाइमिंग साइड आएगा। इसके बाद हम लगा रहे इस पर थोड़ा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद लगाएंगे हम इसके रिंग कंप्रेसर। रिंग कंप्रेसर हमें अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। फिर हम लकड़ी की मदद से हम इसे हल्का सा ठोक लेना है। तो हमारा पिस्टन भी जा चुका है काफ़ी इजी तरीके से। इसके बाद हमें लगाना होती है इसकी कनेक्टिंग रॉड की कैप। तो उससे पहले हमें लगाना है इस पर थोड़ा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद ये रही इसकी कनेक्टिंग रॉड की कैप। तो कनेक्टिंग रॉड पर भी हमें ऑयल लगा लेना है अच्छी तरह से, और ये रखिए आप सरफेस मैच करके कैप। ये कैप उल्टी नहीं लगना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से सीधी लगना चाहिए।
अगर कनेक्टिंग रॉड की आपकी कैप गलत लग गई तो आपका इंजन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो कनेक्टिंग रॉड का सरफेस और आपका कैप का सरफेस एकदम मैच होना चाहिए, उसके बाद ही आप कनेक्टिंग रॉड लगाए। कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट्स हम तीन स्टेप में टाइट करने वाले हैं। पहला 25 Nm टॉर्क और सेकंड है 35 Nm टॉर्क और थर्ड जो है 45 Nm टॉर्क। तो हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से बोल्ट इसके टाइट करेंगे। कनेक्टिंग रॉड में थोड़ा प्ले होना चाहिए कुछ इस तरह से। प्ले रहने के बाद हम इसके ऊपर टाइट करने वाले हैं 45 Nm टॉर्क से बोल्ट टाइट। सारी फिटिंग होने के बाद हमें एक बार चेक कर लेना है कि इंजन एकदम स्मूथ घूम रहा है या नहीं। तो हमारा इंजन एकदम स्मूथ घूम रहा है। इसके बाद लगा रहे हैं इसका ऑयल चैम्बर। तो ऑयल चैम्बर लगाने से पहले ही हमने इसका ऑयल पम्प और ऑयल सील प्लेट लगा दी है और ये एनाबॉन्ड मार के हमने इसका चैम्बर भी लगा दिया है। अब इसके अंदर हम टाइट कर रहे हैं इसको। तो ये कुछ रहा हमारा ऑयल पम्प क्लीन करने के फ़ोटोज़, EGR मैनिफोल्ड और सक्शन पम्प, यह सारा हमने पहले ही क्लीन करके ले लिया था। इसके बाद हमने लगाया इसमें न्यू वाटर पम्प, ऑयल सील, फ्लाई व्हील, ऑयल टी, ऑयल गेज, क्रैंक पुल्ली, हाई प्रेशर पम्प, टाइमिंग कवर। इसमें लगाने वाले हैं हम ओरिजिनल हेड गैसकेट। हेड गैसकेट लगाने के बाद हम रखने वाले इसके ऊपर सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड का हमने टोटली कंप्लीट काम करके ले लिया है। इसके वॉल लैपिंग और हेड सरफेस भी करके ले लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें कुछ हेड के बोल्ट जो हमें ऑयल लगा के ले लेने हैं और हमें इसे अच्छी तरह से हेड को टाइट कर लेना है। तो हमने इसके अंदर 85 Nm टॉर्क सेट बोल्ट को सभी टाइट कर दिए। इससे ज़्यादा आपको हेड के ऊपर हाथ नहीं मारना है। इसके बाद मिलाएंगे हम इसका इंजन टाइमिंग। इंजन टाइमिंग मिलाने के लिए आपको लगेंगे एक कैलिबर पिन जो हमारे हाई प्रेशर पंप में लग जाएंगी और हमारा हो चुका है हाई प्रेशर पंप लॉक। इसके बाद हम मिला रहे इसका हेड का टाइमिंग जिसमें हमें 10-11 का पट्टी लगाना है और ये हो चुका है हमारा हेड का टाइमिंग। इसके बाद हम लगा रहे इसका एलन की, तो एलन की हमारी फ्लाई व्हील में लॉक हो जाएंगी और हमारा ये हो चुका है क्रैंक का टाइमिंग। ये हो चुकी है हमारी क्रैंक लॉक। इसमें हमने ओरिजिनल टाटा का बेल्ट डाला है। बेल्ट को आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है और आपको सभी टाइमिंग एक बार चेक कर लेना है। हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग ओके रहना चाहिए और फ्लाई व्हील का भी टाइमिंग ओके रहना चाहिए और हेड का भी टाइमिंग ओके रहना चाहिए। इसके बाद ही हम इसको फाइनल टाइट करेंगे। 8 mm से आपको एडजस्ट करके और 14 का बोल्ट टाइट कर देना है। तो ये हो चुका है हमारा इंजन टाइमिंग कंप्लीट। इसके बाद हम इंजन रोटेट करके देखेंगे हमारा इंजन सही तरीके से रोटेट हो रहा है या नहीं। तो हमारा इंजन परफेक्ट रोटेट हो रहा है। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसका वॉल कवर जिसे हम टैपेट कवर कहते हैं। तो हम बाकी की फिटिंग कल सुबह आके करेंगे। तो हो चुकी है सुबह और सबसे पहले हम लगाने वाले इसके फ्यूल इंजेक्टर। तो हमें फ्यूल इंजेक्टर जहाँ का वही लगाना है। फर्स्ट सिलेंडर का फर्स्ट सिलेंडर को ही लगाना है और सेकंड सिलेंडर का सेकंड सिलेंडर को ही लगाना है। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें इंजेक्टर लॉक और फिर लगाएंगे इसमें हम कॉमन रेल। ये रहे इसकी कॉमन रेल। हमें कॉमन रेल और फ्यूल इंजेक्टर लॉक अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसमें इनलेट पैकिंग और एग्जॉस्ट पैकिंग।
इसके बाद लगाएंगे हम ये इनलेट मैनिफोल्ड, इसे भी हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। ये रहा इसका इनलेट मैनिफोल्ड, इसके बाद ही इसका लगेगा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और हमें इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। ये रही इसकी EGR बॉडी जो हमने कंप्लीट क्लीन करके ले ली है। तो ये EGR बॉडी हमारी कुछ इस तरह से फिट हो जाएंगी। EGR बॉडी की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी EGR बॉडी के हमारे कुछ हॉस पाइप है, कुछ एग्जॉस्ट रिसर्कुलेशन के कॉइल पाइप और कुछ क्लैम्प्स लगी है, बाकी हमारा इंजन कंप्लीट हो चुका है। हमारा इंजन बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इंजन को फिट करेंगे गाड़ी के अंदर। तो हम किस तरह से इंजन फिट करते हैं तो आप देखते रहिए। हमने इंजन के नीचे जैक लगाया है जिसके मदद से इंजन धीरे धीरे हमारा ऊपर की साइड आ रहा है। ये हमारा इंजन आ चुका है। इंजन आने के बाद हम इसके अंदर माउंटिंग लगा रहे हैं, तो ये माउंटिंग के ऊपर हमारा फिट हो जाएगा। तो हमारा इंजन हो चुका है फिट। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स लगने के बाद में हम इसके लगाएंगे गियर बॉक्स माउंटिंग, पॉपुलर शॉप और इसके गियर लीवर केबल, क्लच केबल। ये रही इसकी फ्यूल लाइन, ये मेन फ्यूल लाइन है और रिटर्न लाइन भी इसमें लगेंगी। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसकी वायरिंग हार्नेस। इसकी वायरिंग हार्नेस आपको काफ़ी सही तरीके से लगाना होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा वायरिंग हार्नेस होती है। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसमें एयर फिल्टर हॉस जो हमें अच्छी तरह से इंटरनल क्लीनिंग करके लेना है। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसके अंदर छोटे मोटे पाइपलाइन। ये रहा इसका कैटलिक कन्वर्टर और DPF कन्वर्टर। इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसर होते हैं और एक DPF इंजेक्टर भी होता है। इस गाड़ी में हमें 3 लीटर इंजन ऑयल डालना है और इंजन ऑयल डालने के बाद हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और हम इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा डीजल आ चुका है। इसके बाद हम इसके नोजल टाइट कर देंगे पूरी तरीके से। हीटर दो आप थोड़ा सा। टाइट तो हुआ था, अब पता नहीं क्यों है ना। मारो मार, सेल भी नहीं ले रही है तो क्या बात है यार। ये है टाइटो, ये अपने आप कर रहे हैं। ऑयल वगैरह लीकेज है क्या? इंजन स्टार्ट होने के बाद हमने इसे 4 घंटे तक के इंजन को स्टार्ट रखा था 1200 RPM पे, जिससे हमारा इंजन पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। इसके बाद ही हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं इंजन ऑयल वगैरह लीकेज हो रहा है या नहीं, या कूलेंट वगैरह लीकेज हो रहा है या नहीं। तो हमें सारे टेस्ट करना होता है पहले, इसके बाद ही हम इसकी ट्रायल ले सकते हैं।